अभीरा लेगी अरमान के प्यार की अग्नि परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जहाँ आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरमान नए नए तरीकों से अभीरा को मनाने की कोशिश कर रहा है और वो उसको ढेर सारे फूल भी भेज रहा है। पहले तो अभीरा को अच्छा लगता है, लेकिन वो माधव की वजह से फूलों को अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अरमान अलग अलग लैंग्वेजेस में अभीरा को आई लव यू भी बोलता नजर आएगा, लेकिन माधव उसे घर से बाहर निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ संजय अरमान और अभीरा के तलाक का कोई भी छुटकारा नहीं निकाल पाता है और दोनों का तलाक अप्रूव करने वाला जज अब 10 दिन की छुट्टियों पर चला गया है, जिसकी वजह से तलाक अभी होना तो नामुमकिन ही है। अब इसी बीच माधव भी अरमान के फोन से अपने भाई से बात करता है और बोलता है कि वो अपने भतीजे को घर वापस ले जाए, क्योंकि वो उसे परेशान कर रहा है और उसका यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। वहीं टीवी सीरियल में आपको आगे देखने के लिए मिलेगा कि अभीरा चुपके से अरमान के लिए रात में खाना लेकर आती है और तभी अरमान खिड़की पर आ जाता है। फिर दोनों के बीच दिल की बहुत ही प्यार भरी बातें होती हैं और अरमान उसे माफ करने के लिए कहता है। वो बोलता है कि वो उन दोनों के लिए दादी सा को मना लेगा। अब ये सुनते ही अभीरा काफी ज्यादा ट्रिगर हो जाती है और अरमान के ऊपर भड़क जाती है, जिसके बाद वो उससे फिर से रूडली बात करने लगती है। तभी अरमान को पता चलता है कि अभीरा सड़क पर बेहोश हो गई थी और ये बात सुनकर अरमान को काफी चिंता हो जाती है। अब इस पूरे ड्रामे के बीच बारिश आने के बाद अभीरा अरमान को खाना और छतरी देने जाती है और बोलती है कि अगर तुम्हारा मन हो तो अपनी कार में बैठ जाना और नहीं मन हो तो इस छतरी के सहारे अपने आप को छुपा लेना। वहीं आगे आप देखेंगे कि अरमान बारिश में ही खड़ा हुआ है और अभीरा के आने का इंतजार कर रहा है। वहीं आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अभीरा घर के दरवाजे खोलकर आखिर में अरमान के पास बारिश में भागकर चली जाती है, जिसके बाद दोनों के बीच में एक बहुत ही रोमांटिक और क्लोज मूवमेंट नजर आने वाला है और दोनों बारिश में एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए भी दिखाई देंगे। वहीं आने वाले एपिसोड में अब ये देखना होगा कि आखिर माधव कब तक अभीरा और अरमान के बीच के रास्ते का कांटा बना रहेगा और क्या अभीरा अरमान को आसानी से माफ कर देगी या फिर नहीं। वेल, ये तो अब देखना होगा टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में ही, जिसमें कहानी होने वाली है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े और इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए स्टे ट्यून्ड टू मायापुरी कट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।